लोग बहुत बढ़िया हैं। तो यही जगह जहाँ खेती वेती करते थे वो? अच्छा, वो कुआ बना हुआ है। एक साल के अंदर इन्होंने ये सारा बना दिया। एक फोटो लेनी बनती है भाई लोग के साथ, यादगार रहेगी। अच्छा, तो ये हिंदू है? ये कुआ है जिसके अंदर गुरु नानक देव जी बम्ब है जी। लंगर खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। दिल्ली के और ब्लॉगर भैया बैठे हुए। तो ये बनाया सारा? पाकिस्तान लोगों को वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ये है मार्केट है और वो सामने उधर पूरा पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान वालों की पार्किंग है, यहाँ वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके आते हैं। तो चलो आपको यहाँ की मार्केट दिखाता हूँ और देखिए क्या क्या चीज़ें मिलती है पाकिस्तान की मार्केट में। पहले मुझे वॉशरूम जाना है। बाकी ये कुछ चुनिंदा शॉप्स हैं, एटीएम लगा हुआ जो कि HBL ATM। सबसे पहले इन भाईजान की शॉप पर चलते हैं। ਪਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਪਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਜੀ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਜੀ ਆਪਣੀ। ਲੋਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਸੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 1200 रुपए इंडियन है। तो भैया वैसे तो मुझे आइडिया नहीं है, कोई कुर्ता पजामा मैंने पहना भी नहीं है। तो बाकी अगर आप पाकिस्तानी कपड़ों के शौकीन हो, ये कॉटन है, ये कॉटन है। ये 1300 रुपए का सूट, 1300 रुपए सूट है। जो लोग पहनते वैसे उनको रेट का आइडिया है भैया। और दूसरी बात, पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान की चीज़ है, तो ये फर्क पड़ जाता है। तो आप अपने यहाँ तो लेते ही होगे। ये लेडीज सूट्स हैं, लेडीज आइटम है, कुर्तियाँ वगैरह दुनिया भर का सामान है। जहाँ लोकल ताड़ी उत्थे मार्केट च सेम रेट हुंदा या इत्थे थोड़ा रेट का फर्क है? नहीं, थोड़ा जिहा फर्क हुंदा। तो थोड़ा फर्क तो हुंदा है। इत्थे अच्छी चीज सेल करीदा, ब्रांड दी क्वालिटी चीज सेल करदे आ, अलाउ नहीं लोकल चीज। बाकी भाजी ताड़े नाल मिल के बड़ा चंगा लगा। मैं जब वॉशरूम होके आते हैं तो वॉशरूम होगा तो कह रहे थे कि हमारे पास आओ और प्रमोट करो। और मुझे वाईपीएम भैया मिला है, बात बात हो रही थी, अकेले ही आए हैं गाड़ी लेके भाई। तो यहाँ से जस्ट मैंने पहली शॉप दिखाई है वहाँ पे क्या मिलता है, तो मैंने बता ही दिया सूट्स वगैरह मिलते हैं सेम एज इट इज़। यहाँ भी लेडीज सूट्स वगैरह आइटम मिलती हैं कि स्पेशल की होंगे अपना पाकिस्तान के सूट्स वगैरह के अंदर जो सीरियलों से देखती हैं लेडीज वो आइटम मिलती हैं। अच्छा, किस तरह का दिखा दें एक अद्धा पीस? सो गाइस, जो लेडीज़ लेना चाहती हैं पाकिस्तानी प्रॉपर सूट्स, तो पाकिस्तान जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीज़ा वगैरह इशू रहता है। तो करतारपुर आ सकते हो, जिनके पास पासपोर्ट्स हैं, और इन फ्यूचर में शायद पासपोर्ट की फॉर्मेलिटी हटा दें तो मे बी आप आ सको। फिलहाल पासपोर्ट वाले लोगों को अलाउ है। तो आप आइए, शॉपिंग वॉपिंग करिए, गुरुद्वारे का मत्था टेकिए और बस सब बढ़िया है। तो ये पाकिस्तानी स्टाइल के जो लेडीज़ जो पहनती हैं ज़्यादातर, जो टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा ज़्यादातर। कपड़ा कड़ा रहता है? कॉटन रहता है। कमीज है ये? ठीक है। सामने भी साइड है? ठीक है। बाजू है? ठीक है। बैक साइड मेरी पैंट ऊपर? ठीक है। ये इसकी चुन्नी है, ये ना जिन बटन ये सलवार। और सलवार कड़ी है? सलवार भी जितना दिखाने हैं। अच्छा, ये देखो कपड़ा भी चेक करो। ठीक है, ठंडा कपड़ा भी, ठंडा कपड़ा भी है। ठीक है, इसे कहते हैं बॉस की, ठंडा कपड़ा पाकिस्तान में, चेक करें ये भी। अच्छा, ये कुर्ते कुर्ते वो हो, कुर्ता पजामे वासे भी, कपड़ा बहुत शानदार है वाकई, हाथ लगा के पता चलता है। कितने का? इंडियन 800 रुपए का। पर मैं कुर्ता जमा पांदा नहीं यार, बड़ी प्रॉब्लम हैगी है। कोई मसला नहीं, पर मुझे एक चीज दसो, जैसा ये आइटम हैगी है कि लेस लूस कितना हैगा, डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ हैगा? 1000 रुपए लग जाए। की नाम अपना वीर? मेरा नाम सलमान। सलमान खान, सही रेट दस ते मैं फिर ले जाऊंगा। ब्लू वाला की अभी सेम ही है? सेम ही है। डिजाइन डिजाइन और मिल जाने ना? डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है, और इंडियन करेंसी भी ला लेते हो? इंडियन भी ले लेते, पाकिस्तान भी ले लेते, डिस्काउंट करोगे ना? फाइनल आपको 800 लगा रहे हो, इससे कम नहीं। सो गाइस, ये ज्यादातर लेडीज को मालूम है आइटमों का, हमें इतना आइडिया नहीं है। भैया मैं तो चीज पसंद आएगी तो ले लेंगे। तो फिलहाल तो एक मार्केट का राउंड जरूर काटूंगा। फिलहाल सलमान भाई ने कहा कर लेंगे, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं कर लेंगे, अगर वीडियो देख के आ रहे हो तो ये सलमान भाई है, मेरा नाम है जतिन, जैसे पता ट्रैवलर जतिन बता देना, वीडियो देखी है तो डिस्काउंट करेंगे। करेंगे ना? करेंगे। हाँ करेंगे, करेंगे, वैसे 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 भी कर लेंगे, भाई लोग चाहते हैं बिजनेस हो। तो इस तरह से दुनिया भर की शॉप्स है, पहले मैं एक साइड कवर करता हूँ फिर दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। यहाँ मिलेंगी पंजाबी जुतियाँ, पंजाबी जुतियाँ तो वैसे अमृतसर वैसे मशहूर है, पर फिर भी अपन देख रहे थे भाजी कोई स्पेशल जुतियां भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਯਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਸਭ ਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਛਾ ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇੰਟਸ ਹੈ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਹੈ ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ ਤੇ ਓਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਹੈ
सिर्फ आपकी करेंसी में 500 रुपए, हमारी करेंसी में 500 रुपए की स्पेशल है, कसूरी जूती मशहूर है। मतलब देखो ये अंबरसर चना मिलती है? हाँ जी, ये नहीं मिलती है उधरों। ये भी वही चीज है, कागज वाली है, चूचू वाली जूती साड़ी। चूचू चूचू मतलब ये चूचू करती है, जब पहनते हैं ना तो इसमें से आवाज आती है, आवाज आती है। अच्छा ठीक है, और एक नदी है क्या? ये तो मिलेगी 600 रुपए में, मतलब थोड़ा रेट ज्यादा है यार, ज्यादा रखी थे ना इंटरनेशनल मार्केट। ओहो, इंटरनेशनल मार्केट चढ़े है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई इंटरनेशनल वाली गल नहीं है। पता की गल है, वैसे मजाक है, सही हकीकत है, इतनी थोड़ी महंगाई ज्यादा है। अच्छा, इतनी चीज ओरिजिनल मिलनी है, लोकल नहीं मिलती। मान रहे हैं, नाम क्या अपना? अली भाई। अली भाई बड़ा मशहूर, एक पिछले वीडियो जी बड़े मशहूर हुए अली भाई, तुसी देखे ना? मैं देखा, सारे देखा वा भाई। तो अली भाई दी शॉप हैगी है, जुतियां शुतियां सब मिलती हैं, बच्चियां दी, बड़ियां दी, बंदियां दी मिलती हैं? मिलती हैं। बंदियां दा भी सेम रेट है? नहीं नहीं, बंदियां दा अलग दा रेट। क्यों? बंदे जुती तिल्ले वाली बनाने हैं असीं, और लेडीज सूट वगैरह भी हैगे सारा कुछ। किन्ना किन्ना सूट हैगा? 1000 रुपए तो लेके ना साडे को 10000 रुपए तक सूट मिल जाएगा। 1000 तो लेके 10000। अपने मुंह कह रहा बंदा, कह रहा वो चीज अच्छी, वो चीज अच्छी नहीं है। तो लेडीज जेंट्स का इतना बड़ा फर्क हो जाता है? तो बाकी ऐसा है, शॉपिंग के लिए बहुत सारी आइटम है, अपने को इतना आइडिया है नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, आप पर्सनली आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी बहुत अच्छा लगा, बाकी आप भी चाहते हैं चीजा सारिया सही हुए थे, फिर अच्छे तक आए तो अगे भी चले आइए। तो भाई लोग, जैसे कि पता आपको, मैं पाकिस्तान मार्केट घूम रहा था, अचानक ये वीडियो के अंदर क्या गड़बड़ हुई, ये पूरी वीडियो ऐसे कांप रही है कि समझ नहीं आया। मैंने सारे ऑप्शन छेड़ के देख लिया, बस एक लौती वीडियो जिसमें गड़बड़ थी। तो मैंने कुछ शॉप दिखाने के बाद, मैंने वहाँ पे YPM है जो दिल्ली के काफ़ी अच्छे यंगस्टर ब्लॉगर है, वो मुझसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने आगे उनसे कंटिन्यू तो करा है, पर इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में थी, तो इसलिए मुझे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ रहा, क्योंकि वीडियो इतनी गंदी तरह हिल रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, बस मैं आपको थोड़ा बता दिया जाए कि ये क्लिप ही ख़राब है, झेल लेना। तो गाइज, हमें मंगा ली है लाहौरी पिन्नी, और शक्ल से बहुत अच्छी लग रही है, और साथ में हमारे साथ है YPM भैया, और मीठी पिन्नी होती है कि नमकीन पिन्नी है? और पता नहीं, अभी मैंने टेस्ट करा नहीं, उन्होंने मंगाया बिरयानी, वेज बिरयानी और समोसा, कैसा टेस्ट है? बिरयानी में ऑलमोस्ट सेम ही लगी, कि बट ट्राई नहीं करा मैंने। ओके, ट्राई नहीं करा आप? करो भैया, वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा भेदभाव कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। वैसे वो समोसा तो भैया अच्छा लग रहा है, समोसा तो समोसे जैसे ही लग रहा है, बाकी टेस्ट करते हैं, बताते हैं लाहौरी में, लाहौर में क्या फेमस है भाई, इसमें खासियत क्या है लाहौर वालों? भैया इधर आना, दसना चाय। हाँ ले 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 मेरे भाई, ते लाहौर तू दसेगा? यो दसेगा जी, मैं दस। अच्छा, दस फिर की है गए खासियत? खासियत की है दी? खासियत है जी, ਅਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਅੱਛਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੁਮਾਨੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਟਮ ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਸਿਰਫ ਆਪਕੋ ਯਹੀ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ, ਜੈਸੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮ ਯਹੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕਲੈਨ ਹੈ। ਅਦਰ ਸਕਲੈਨ? ਅਦਰ ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਮ ਦੱਸ ਨਾ। ਸਕਲੈਨ? ਸਕਲੈਨ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਕਲੈਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਭਈਆ ਇਹ ਆਈਟਮ ਜਹੀ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੀ, ਤੋ ਟੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕੈਸਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੋ ਹਮਨੇ ਵੋ ਖਾਇਆ ਹੈ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ YPM ਭਾਈ ਕੋ, ਆਲੂ ਫਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੇਂ ਚਟਨੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੇਂ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਹੈ, वो डिफरेंट है, मतलब ऐसा टेस्ट मैंने नहीं खाया। मैं कहूँ कि अपनी टिक्की जैसा मिलता है या कुछ वैसा मिलता है, वैसा नहीं है, डिफरेंट है, डेफिनेटली ट्राई करना बनता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इंडियन 100 रुपये बता रहे हैं, कितना चलता है यार? पाकिस्तान 100 रुपये? नहीं, इंडियन 100 रुपये। भाई अगर इंडियन 100 रुपये का है तो पाकिस्तानी 200 का है, 100 रुपये के हिसाब से हमारे इंडियन 50 रुपये का, पता नहीं कितने का, पूछता हूँ। खवाई ही ना, तो की नाम चाहिए था? लोरी पिन्नी। लोरी पिन्नी पकौड़े समोसे। भरा सारे पाकिस्तानी कड़ी जगह दो लाहौर तो ये जी लाहौर तो जद जाना होगा उन लाहौर जाके पक्का मिलना आप। ठीक है मेरे भैया। तो भैया हम आ गए मुल्तानी सोन अली, भैया का नाम क्या है? जाहिद मनोवर। जाहिद, तो भैया टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, और ये बहुत फेमस है, मैंने कई लोगों की वीडियो में देखा, और YPM भैया ने ऑलरेडी ले चुके हैं। कितना लिया है? मैंने कितना दो? हाफ के जी का, हाफ हाफ के जी के दो लिए हैं। तो भैया टेस्ट करते हैं। अरे वाह जी, मुझे याद आ गया, मैं जब छोटा था ना, पठानकोट, पठानकोट अमृतसर में पास है, वहाँ चॉकलेट बर्फी होती थी, सेम टेस्ट है। कई लोग कहते चॉकलेट बर्फी, चॉकलेट बर्फी कहते, कोई कहते मिल्क केक, कोई कहता डोडा स्वीट्स वालों का। अच्छा, आपके जी मिल जाएगा? ठीक है, 200 इंडियन, पाकिस्तान 400। ठीक है,
काजू वाजू जो पाए है कितना टाइम तक चल जाएगा पच्चीस पांच 2022 तक चलेगी। तो भैया मैंने हाफ के जी लिया है, डेफिनेटली अगर आपका लेना बनता है अगर आप आ रहे हो मजेदार है। और भी कुछ स्पेशल है हमारे पास? सारे ही डब्बे लगे हुए हैं। तो पता है क्या दिक्कत है यार, एक पंजाबी बंदे को देखे मुझसे पंजाबी निकलनी शुरू हो जाती है। भाई भाई ये भी पंजाबी है पर समझता है, बोलता नहीं है। तो बढ़िया है, थैंक यू मेरे वीर। बेसिकली है कि किस चीज़ का बंदा है? मिल्क का। मिल्क होती है, मिल्क होता है। ओके। पाकिस्तानी 300, इंडियन 150। वैसे महंगा क्यों है? मतलब सारी संगत इस करके इधर आंदी तो सस्ता होना चाहिए थे। बेहतरीन चीज है पूरी मार्केट। अच्छा बेहतरीन चीज है। और स्पेशल आइसक्रीम वगैरह सॉफ्टीज वगैरह भी है यहाँ पे, मतलब कुल्फी पंजाबी कुल्फी जो कहते हैं पंजाबी कुल्फी वगैरह भी है, मुल्तानी कुल्फी। तो देखते हैं अभी, पहले हमने इसमें खजूर डाली है, ठीक है, उसके बाद हम ये फ्रेश खोया डालेंगे। ओके, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल देखा है, आज देखते हैं कैसा होता है। तो हमने ज़्यादा नहीं बनवाया, एक ग्लास ही बनवाया। मैं ट्राई करते हैं, कोई पेट पे जगह बनी है। ट्रैवलिंग मंडे को फॉलो करते हो? ये दुबई में यही पहले पीती है? अल सफा। ओके, तो भैया आ गया, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। कुछ अलग सा लग रहा है। हाँ डिफरेंट है, खजूर का टेस्ट है, मिल्क है, खोया है, तो कुछ डिफरेंट है। बाकी ये है कि टेस्टी है। देखो हम जो पी रहे हैं, हम तो पी रहे हैं, आप आओ तो ट्राई करना है। पतीसा बर्फी वगैरह के चाहिए। तो ये भैया पाकिस्तानी और दुबई दो अलग अलग वो हैं। तो ये देख सकते हो खजूर प्लेस एंड ड्राई फ्रूट्स। तो ये आइटम भी है भैया, लेना हो तो ले सकते हो। भैया हम तो क्या बताऊँ, मैं वैसे भी जब भी बाहर जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें भर के ले आता हूँ। तो भाई के बाद ज़रूर आना, खजूर वगैरह लेना होता है। यहाँ पर कुछ ऐसी पेप्सीज मिलती है जो हमारे इंडिया में मिलती नहीं है, तो वीडियो अलाउ नहीं है, तो भैया हम नहीं बना रहे वीडियो। डिफरेंट पेप्सी भी है भैया ट्राई करने के लिए, नई चीज़ें भी हमारे इंडिया में जो नहीं मिलती वो यहाँ मिलती। सो कुछ ज़्यादा शॉप्स नहीं है यहाँ, लिमिटेड ही शॉप्स हैं। कुछ सिलेक्टेड आइटम ही इन्होंने रखी हुई यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें बना रखी हैं, कुछ शॉपिंग के लिए कुछ आइटम्स हैं, कुछ जो स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली जिन्होंने टेस्ट नहीं करा तो टेस्ट करना बनता है। तो भैया करतारपुर के अंदर इस वक्त हम घूम रहे हैं और पाकिस्तान की फील ले रहे हैं पूरी, बहुत मज़ा आ रहा है। वाईपीएम भाई भी अपने साथ हैं, फुल हमने टेस्ट करा खाने वाने का, मज़ा आ गया। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यूनिक, आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। और जिस वजह से कुछ जो फेमस है खाने की, हमने क्या लिया अभी, वो क्या लिया था? खजूर शेक लिया है, उसके अलावा हमने वो लिया है हलवा, बहुत टेस्टी है, सच्ची मज़ा आ गया। शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और एक यादगार के तौर पे आप यहाँ के नोट भी लेके जा सकते हो। फिलहाल अपना वीज़ा एक्सपायरी हो जाएगा 4 बजे, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना 4 बजे तक इंडियंस वालों के पास टाइम है, उसके बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा टाइम। आधे घंटे पहले ही निकलो, बिकॉज एकदम से सारे लोग निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, फिर बस भी नहीं मिलेगी। तो आधे पौने घंटे पहले निकलो ट्राई करने की। तो पाकिस्तान और हमारे इसमें टाइम में आधा घंटे का फर्क है, GMT प्लस 5 है। ओके, तो अभी हमारे इंडियन अकॉर्डिंग 2:30 बज चुके हैं, तो हमें बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से, और बने रहिएगा साथ में। फिलहाल ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे और यहाँ से निकलने की तैयारी है, टाइम हो गया हमारा जाने का। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही हो भैया, लाइक वाइक मार देना और कमेंट जरूर करना। अगर कुछ बात मैं भूल गया हूँ, कुछ पूछना चाहते हो, तो आपको दोबारा बता दूँ कि आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी तरह की कोई स्टैम्प नहीं लगने वाली, आपकी जो फीस जमा होती है उसी के ऊपर स्टैम्प होने वाली है। तो बेफिक्र हो जाइए, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। 4 दिन पहले ETA का आपका अप्रूवल आ जाता है, डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली और यहाँ पहुँच जाइएगा। साथ में चाहिए आपको दोबारा बता देता हूँ, PCR टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की। उसके अलावा आपको चाहिए यहाँ पे आपकी डबल डोज सर्टिफिकेट, $20 और आपका पासपोर्ट, डेट्स इट। ये लेके आइए, इजीली आप यहाँ पे घूम फिर के जा सकते हैं और बाकी सारी फैसिलिटीज, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन यहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बाकी सब बढ़िया है। अभी यहाँ पे आने का मन है भाई मेरा, लेट्स सी। तो भाई साहब ये पाकिस्तान का एग्जैक्टली बॉर्डर है, यानी अगर मैं बात करूँ तो हम जहाँ पे हैं वो कॉरिडोर है, स्पेशली इंडियंस लोगों के लिए खोल रखा है। आपको अगर प्रॉपर पाकिस्तान देखना है तो हमें ये क्रॉस करना पड़ेगा, जो ये ग्रिल्स लगी हुई हैं, और आगे आप देखोगे वहाँ के लोकल बसेज, लोकल चीज़ें सब चल रही हैं। और एग्जैक्टली पाकिस्तान यहाँ से, और यहाँ से मेरे ख्याल से 250 किलोमीटर है, 2.5 घंटे की दूरी पर है लाहौर अमृतसर, तो अपना अमृतसर भी यहाँ से 40-45 किलोमीटर। तो ऑल ओवर ये है कि यहाँ एक अलग फील आती है, ये तो ज़रूर है। और यहाँ के जो लोग हैं वाकई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। तो प्यार वाली बात है कि जैसे लोगों के साथ ट्रीट करोगे वैसे लोग मिलते हैं, प्यार से बात करोगे प्यार मिलेगा, और लड़ाई झगड़े करेंगे तो आप देख ही रहे हो हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त दुनिया के। तो बाकी सब बढ़िया है, तो हम यही कहेंगे कि डेफिनेटली आपका एक बार विज़िट करना बनता है, नहीं प्रॉपर पाकिस्तान जाना तो यहाँ ज़रूर आना। ये तो एक कहानत बन गई। Yeah, yeah.